जब किसी से बात किया जाता है। राधा अंदर बोला और उसके चेहरे में राधा लिखे हुए हैं। अब आंख में आंख मिलाकर हम बात कर रहे हैं, वो समझ रहा मेरी तरफ देख रहे हैं, नहीं उसके और हमारे बीच में राधा नाम, अब बात कर रहे हैं और चिंतन राधा नाम का हो रहा है। युक्ति होती है, प्रसाद पा रहे हैं राधा राधा राधा, पात्र मार्जन कर रहे राधा, सोनी लगा रहे राधा, रसोई बना रहे राधा, हल जोत रहे राधा, ऑफिस जा रहे राधा राधा राधा, अभी आनंद की अंदर अनुभूति होने लगे, पर ऐसा प्रमादी स्वभाव हो गया है कि नाम में महत्व बुद्धि नहीं, चूंकि हृदय में हमारे द्वारा कुमार्गामी वासनाएं एकत्रित की गई हैं, तो पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ति भाव नकाओ, पर आप तो शरणागत हैं, आप महत्व बुद्धि कीजिए तो निरंतर नाम चलने लगेगा। इस संसार के चक्र से हटने के लिए एक ही उपाय है कि मानव देह में गुरु शरण होकर भजन कर ले और अपने आप को बचा ले तो बचा ले, नहीं आगे बचाने की योग्यता हट जाती है। वो देवताओं में भी नहीं है, देवताओं में भी योग्यता नहीं है कि वो मुक्त हो जाएं, वो केवल सुख भोग भोग सकते हैं, जितनी उनको पुण्य मिला है उसके अनुसार वो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, केवल प्रयोग, खर्चा कमा नहीं सकते, एक सिक्का इसमें प्रयोग भी कर सकते हो खर्चा भी कर सकते हो, इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ, ये देवताओं को भी दुर्लभ।